नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और इस वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, आप अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारे लिंक्स वहाँ पे अवेलेबल है और सारे लिंक से आपको बहुत सारे अपडेट्स और प्रीवियस जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है वो भी देखने को मिलेगा। तो जाकर जरूर ज्वाइन करिए। और हाँ, अब इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में होगा, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर किसी भी कंपनीज के ऊपर बाय सेल करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से जरूर करना होगा। तो चलिए देखते हैं इस सारे कंपनीज के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँ उसका नाम है डीमार्ट, अवेन्यू सुपर मार्ट। देखिए इस कंपनी के ऊपर देखा जाए तो एक टाइम बहुत तेजी से ग्रोथ आ रहा था, अभी धीरे धीरे करके उसका करेक्शन भी हुआ और इस करेक्शन होने के पीछे कारण भी है। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो 300 के ऊपर चला गया था और आज कितना है, 100 के ऊपर। तो फिर भी वैल्यूएशन के हिसाब से 300 मतलब बहुत हाई वैल्यूएशन और 100 मतलब यहाँ पे आपको लग रहा है कि कम, बिल्कुल नहीं। पी रेशियो हमेशा कहा जाता है कि 10 से 30 के अंदर है तो एक बेस्ट लेवल में है। तो फिर से मैं ये भी कहूंगा, पी रेशियो हमेशा मेजर करते हैं ये 1 रुपया कमाने के लिए हम लोगों को कितना रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। मान के चलिए इस कंपनी का पी रेशियो 100 है तो 1 रुपये कमाने के लिए हम लोगों को 100 रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो ये मेरे ऑब्वियसली मेरे हिसाब से तो हाई वैल्यूएशन है। तो फिर भी कुछ कंपनीज ऐसे होता है जिसमें इस हाई वैल्यूएशन के ऊपर भी लोग खरीदारी करना चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए देखा जाए तो कंपनी के ऊपर इस करेक्शन होने के जो पीछे कारण है वो पी रेशियो ही है और कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसमें कुछ खराबी नहीं है। आरओसी आरओई बेस्ड है, एनुअली इनकम बहुत शानदार है, कर्जा एकदम जीरो है और कंपनी 74% का प्रोमोटर के पास होल्डिंग है। इस कंपनी के सबसे जो खासियत है, कंपनी जितने सारे स्टोर बना के रखे हैं वो डीमार्ट के जितने सारे स्टोर बना के रखे हैं वो 96% स्टोर खुद खुद ओन करते हैं। मतलब 96% का स्टोर खुद के नाम में है, खुद ने प्रॉपर्टीज को खरीदारी किए और खुद ने उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाए और बिजनेस स्टार्ट किए। तो सोचिए अगर कल बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स भी आए तो उसका जो एसेट है उस एसेट को वो बेचकर बिजनेस को फिर से लाइन में लेके आ सकते हैं। क्योंकि इस कंपनी का जो एसेट है उसके बारे में बात करूं तो ध्यान से इस चीज को देखना, तो टोटल जो एसेट है वो कितना है, टोटल 11,300 करोड़ के आसपास एसेट है और उसमें से लैंड कितना है, देखिए एक टाइम 10 साल पीछे चले जाएंगे तो सिर्फ 300 करोड़ का लैंड का प्राइस था और बिल्डिंग 450 करोड़ के आसपास था। और लैंड के बारे में बात करें तो 5,500 करोड़ के आसपास लैंड अभी हो चुके हैं और बिल्डिंग्स कितने हैं, 6,200 करोड़ का। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 11,300 करोड़ के आसपास से भी ज्यादा कंपनी का टोटल प्रॉपर्टीज है और इस प्रॉपर्टीज को कंपनी बेचकर ऑब्वियसली बिजनेस को फिर से खड़ा कर सकते हैं अगर बिजनेस में कोई भी दिक्कत आए तो। ऐसे नहीं कहूंगा कि कंपनी इस प्लान को बेचेंगे, मतलब प्रॉपर्टीज को बेचेंगे, क्योंकि कंपनी का जो हर दिशा में पॉजिटिविटी पॉइंट्स है, हर दिशा में देखें तो कंपनी प्लस पॉइंट के हिसाब से चल रहा है तो उसमें कंपनी इतने बड़े डिसीजन नहीं लेंगे। तो रिजर्व के बारे में बात करूं तो 140 से 150 से बढ़ के हो चुके हैं कितना, 15,400 करोड़। तो इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। जैसे FISDS पब्लिक हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। अगर यही चीज को मैं इस कंपनी के जो परसेंटेज वाइज डिलीवरी दिखा दूं तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी का अच्छा खासा डिलीवरी देखने को मिला है, करीबन 50 से 60% के आसपास। और डिलीवरी इसलिए उठा जा रहा है क्योंकि जब कोई अच्छे कंपनी का शेयर करेक्शन होता है तो बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन उस कंपनी के ऊपर शेयर खरीदारी करते हैं। तो कहाँ पे खरीदारी किए है चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से चीज को देखना कि यहाँ पे एक पैटर्न बना था, एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने जा रहा है। तो शोल्डर कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बाद देखिए उससे पहले ही शेयर के ऊपर एक करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है और इस करेक्शन में मेरे हिसाब से वो इसको रिटेस्ट करेगा और अगर इसको रिटेस्ट करके वापस गया तो एक बड़ा सा मोमेंटम हो सकते हैं। क्योंकि देखिए इसी रेंज को वो टच करने के बाद एक हायर साइड में गया था और मुझे नहीं लगता उतना बड़ा क्रैश भी होगा क्योंकि 200 डेज EMA के ऊपर कंपनी ट्रेड करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट उसको मिलेगा, वहां से वो रिवर्सल हो सकते हैं। तो देखा जाएगा क्या होने वाला है, अभी तो फिलहाल के लिए कोई भी नया फ्रेश एंट्री नहीं है, जब फ्रेश एंट्री बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं उसका नाम है तेजस नेटवर्क। तो तेजस नेटवर्क एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूं कि इस कंपनी का खासियत क्या है, तो ये टाटा ग्रुप की कंपनी है और टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर काम करते हैं।
देखिए टेलीकॉम इक्विपमेंट्स के लेकर जो सैटेलाइट है उसके ऊपर साथ ही साथ देखा जाए तो हाई जो परफॉर्मेंस ऑप्टिकल फाइबर्स है, डेटा नेटवर्क है, उस सिस्टम के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी टाटा ग्रुप के कंपनी होने के नाते भी इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए जो हालत है वो थोड़ा सा वीकनेस में है। वीकनेस मतलब कंपनी का सेल्स, देखिए सेल्स नेगेटिव है, प्रॉफिट भी मतलब सेल्स कम हुआ इसलिए प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया। तो जीरो डेप कंपनी है और 13,000 ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ के आसपास मार्केट का बोल सकते हैं। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ते चले गए और उस हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस भी यहाँ पे देखा जाए तो कंट्रोल में है। मतलब कंट्रोल में पहले था, आज कंट्रोल में नहीं है। तो कंपनी के एक्सपेंस ज्यादा होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में चले आए। तो लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में आए और इसीलिए देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो फ्यू मतलब ये मंथ्स में, मतलब फ्यू क्वार्टर्स में कंपनी का सेल्स लगातार कम, मतलब सेल्स कम हुआ और एक्सपेंस ज्यादा हुआ जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में नेगेटिविटी देखने को मिला। तो क्या इस कंपनी के ऊपर कुछ खराबी है? देखिए कंपनी के ऊपर उतना खराबी तो नहीं है। कंपनी खुद के बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ज्यादा से ज्यादा उसको खर्चा करना पड़ रहा है। अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे दिखा दूँ, आप ध्यान से देखना, कंपनी का रिजर्व अच्छा खासा है, कंपनी का कर्जा भी ना के बराबर है। कंपनी देखिए फिक्स एसेट में 647 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट को बढ़ा चुके हैं और कंपनी इस बार हाइस्ट पैसा लगा के रखे कंपनी के बिजनेस पर्पज में, तो 154 करोड़ के आसपास पैसा प्रोसेसिंग में लगा के रखे हैं, जो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद डायरेक्टली वो नेक्स्ट ईयर में फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। अभी यही चीज मैं आपको कैश फ्लो के बारे में बात करूं तो कैश फ्लो आप देखेंगे तो कंपनी के एक चीज आपको मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं तो आप देखेंगे तो फिक्स एसेट परचेज में कंपनी इस बार 250 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट को परचेज किए। तो इसका मतलब कंपनी खुद को बिजनेस को स्टेबल जगह पे लेके जा रहा है और इसलिए देखिए इंस्टीट्यूशन भी इसके ऊपर टिके हुए हैं। ऐसे नहीं कि इंस्टीट्यूशन नहीं है, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास हिस्सेदारी देखने को मिला है। और रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो उससे पहले कंपनी के ऊपर कुछ लास्ट कुछ मंथ्स का डिलीवरी दिखा दूं। देखिए जून, जुलाई, अगस्त इस तीनों मंथ में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा धीरे धीरे करके डिलीवरी उठाया गया। क्यों उठाया गया? क्योंकि मैंने आपको एक चार्ट पैटर्न मेंशन करके दिया था, यहाँ पे कफ विथ हैंडल पैटर्न बना था और इसको शानदार तरीके से ब्रेकआउट भी किए। और मैंने आपको ये भी बताया कि ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था, कन्फर्म यहाँ पे हुआ था, तो मैंने जब रिवर्सल किए और जब फिर से वही रेंज को रिटेस्ट किए, वही रेजिस्टेंस को, जो रेजिस्टेंस था वो बन चुके थे कि सपोर्ट, तो सपोर्ट को रिटेस्ट किया तब मैंने एंट्री लिया और मेरा अभी तक होल्डिंग है। और जब थोड़ा सा करेक्शन भी हुआ तो बहुत सारे कमेंट्स आना स्टार्ट हो गया। तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ मार्केट में ऐसे नहीं कि जब आप एंट्री लेंगे डायरेक्टली जाकर प्रॉफिट देते हैं मतलब आपको मिल जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मार्केट हमेशा अलग तरीके से बिहेव करते हैं, थोड़ा सा करेक्शन भी हो सकते हैं, उसके बाद फिर से होल्ड करके टारगेट दे सकते हैं। तो सीनरी कुछ भी हो, अगर आपको भरोसा है उस कंपनी के ऊपर तो ऑब्वियसली उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलने का चांसेस रहेगा। तो बाकी आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो देखिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में बात करूं तो इस कंपनी कोई मतलब देखा जाए तो एक बड़ा धमाका करने वाला कंपनी है, क्योंकि कंपनी का जो मोनोपोली जो बिजनेस था वो देखा जाए तो खत्म हो चुके हैं और जिसके चलते हर लोगों के मन में यही सवाल है कि कंपनी बर्बाद हो जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं, किसी का मोनोपोली बिजनेस खत्म हो गया इसका मतलब उसका बिजनेस बंद हो जाएगा, ऐसे होगा नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल के हिसाब से सोचते हैं, मान के चलिए आपने भी एक दुकान ओपन किया और आपका दोस्त भी एक दुकान ओपन किया, तो आपका दुकान बहुत पहले से है, आपका पिताजी उस दुकान को बनाए थे और उस दुकान मोनोपोली बिजनेस कर रहा था, मतलब आपके एरिया में दूसरा कोई आपके कैटेगरीज में बिजनेस नहीं कर रहा था, तो डायरेक्टली जितने कस्टमर है वो आपके पास ही आ रहा था। तो सोचिए आपके दोस्त ने भी उसी तरीके से कैटेगरीज का बिजनेस ओपन किया, तो कुछ कस्टमर आपके दोस्त के पास जाएगा मगर मेजोरिटी जो कस्टमर है वो आपके पास ही आएगा, क्योंकि आपके पास जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ है इतने दिनों का जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट को वो खत्म नहीं करना चाहते। तो इसको मोनोपोली घटना नहीं है, इसको थोड़ा सा कंपटीशन है मान लेता हूँ, थोड़ा आपके पास कंपटीशन बढ़ जाएगा क्योंकि आपका दोस्त ने बिजनेस स्टार्ट किया तो थोड़ा कस्टमर वो भी खुद के पास लेके जाएंगे। तो इस तरीके से IEX के ऊपर भी हालत देखने को मिलेगा, थोड़ा सा प्रेशर होगा, ऐसे नहीं कि कंपनी खराब हो जाएगा, कंपनी बर्बाद हो जाएगा। मार्केट कैप के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी 11,700 करोड़ के आसपास है, ROE बेस्ड है, एनुअली इनकम अच्छा खासा है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स नहीं है। और कोई बात नहीं, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स नहीं है इसका मतलब कंपनी बेकार हो गया, ऐसे बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि ITC जैसे बड़े कंपनी, उसके साथ L&T जैसे बड़े कंपनी,
और बीएससी जैसे बड़े कंपनी, इस सारे कंपनीज के ऊपर भी एक भी होल्डिंग प्रोमोटर के पास होल्डिंग देखने को नहीं मिलेगा। तो रही बात इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के, तो देखिए कंपनी ने पिछले बार 98 करोड़ का सेल्स किए थे, इस बार 104 करोड़ का सेल्स किया। तो कंपनी का सेल्स तो ठीक ठाक है, कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किए, 17 करोड़ से 22 करोड़ तक कंपनी का एक्सपेंस किया। उसके बाद देखिए कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 69 करोड़ से बढ़ के हो चुके 74 करोड़। तो यहाँ पे एक पॉजिटिविटी देखने को मिला है, तो उस हिसाब से देखा है तो कंपनी में अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। अगर यही चीज को मैं बैलेंस शीट के वाइज दिखा दूं तो देखिए कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और कर्जा एकदम नाके बराबर है और फिक्स एसेट भी बढ़ता चला गया। और जो CWIP है, कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस के बारे में बात करूं, तो कैपिटल इन वर्किंग प्रोसेस में अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिला। थोड़ा छोटा मोटा यहाँ पे पैसा कंपनी ने क्या किया, कंपनी के ऊपर प्रोसेसिंग में लगा दिया और उस प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद डायरेक्टली वो पैसा फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। अभी रही बात इस कंपनी के एज ए इन्वेस्टर के, तो प्रोमोटर FIS DIS हर कोई इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग्स करके रखे हैं, तो प्रोमोटर तो नहीं है, FIS और DIS के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है और सबसे ज्यादा होल्डिंग्स पब्लिक के पास है। तो रही बात इस कंपनी के म्यूचुअल फंड के जो राय है, लास्ट कुछ फ्यू देखा जाए तो मंथ्स में कंटिन्यूअसली इसके ऊपर बाइंग किया जा रहा है, तो इस कंटिन्यूअसली बाइंग करने के कारण शेयर के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिल सकता है। अगर इसको चार्ट पैटर्न्स में आपको डिस्कशन कर तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक पैटर्न स्केट हुआ था, यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक बाइंग का पैटर्न स्केट हुए थे और जो 21% के आसपास टारगेट बना था। और मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब कोई रेंज इस तरीके से बने और वो रेंज भी आप देखेंगे तो लोअर साइड से अपर साइड तक जो रेंज बन रहा है वो 200 डेज के नीचे अगर बन रहा है तो सोचिए वो हायर पॉसिबिलिटी है, जब उस लेवल को टच करेगा तो एंटी बनेगा और हायर लेवल का टारगेट होगा। तो एंटी तो मैंने इस लेवल में ले चुका हूँ, क्योंकि जब गैप डाउन में ओपन हुआ था तो मैंने लोअर साइड में एंटी लिया और मैं होल्ड कर रहा हूँ इसको टारगेट पाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ पे करेक्शन भी हुआ। देखिए मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, कोई भी स्टॉक मतलब डायरेक्टली आपको टारगेट नहीं देगा, बहुत टाइम आपका वहाँ पे देने को पड़ सकते हैं, कुछ टाइम वो ले सकते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ पे एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक 1 साल भी लगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि 1 साल मतलब 1 साल में आप 21% रिटर्न जनरेट कर पाएंगे, वो भी मेरे लिए बेस्ट है और आपके लिए शायद बेस्ट जरूर रहेंगे। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर अपडेट इसीलिए आया क्योंकि कंपनी लगातार लगातार भागते जा रहे थे और इसीलिए कंपनी के मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया कि कंपनी के जो शेयर प्राइस है उसको ब्रेक करने के लिए। तो कंपनी का अभी फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया है और इस 10 रुपया फेस वैल्यू को वो करेंगे 5। इसका मतलब हर एक शेयर में आपको 2 शेयर एज ए स्प्लिट के हिसाब से देने वाले हैं। और स्प्लिट कब मिलेगा, देखिए उसका डेट भी यहाँ पे अनाउंसमेंट में पहले से ही आपको कर चुका हूँ। और डेट कौन सा है, देखिए 29 सितंबर आपको 1 के बदले 2 शेयर स्प्लिट के हिसाब से मिलेगा। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि सारे डिटेल्स अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो वो उसको भी सीखने का मौका मिलेगा और सीखकर काम करेंगे तो हर किसी को प्रॉफिट जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।